देशों में मोहम्मद से पहले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का अपना क्रिप्ट साथ से आप लोगों को पढ़ाने आया हूं क्लास मिस मैथ 3.4 फ्रॉम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 में कह रहा है पहला ऑल द ट्रायंगल्स आर स्क्वायर ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर तो भैया रेक्टेंगल में लेंथ ज्यादा होता है ब्रेथ कम होता है ठीक है और इस हिसाब से सारे रेक्टेंगल स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हाँ क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी वो कहती है बोथ साइड लेंथ आर इक्वल एंड ब्रेथ आर इक्वल बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑल हैव 90 डिग्री स्क्वायर का आता है ऑल साइड आर इक्वल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री खत्म बात ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम तो भाई ठीक है सारे रोम्बस को तो पैरेललोग्राम किया था हमने अभी आपको पिछले सवाल पढ़ाया था तो रोम्बस बनाया उसको पैरेललोग्राम में चेंज किया था तो इस तरह से ये बात आपकी ट्रू साबित होती है ठीक है क्वेश्चन 3 ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल तो रोम्बस जो है स्क्वायर जो है वो रोम्बस की भी श्रेणी में आता है रेक्टेंगल की भी श्रेणी में आता है क्योंकि रोम्बस में आमने सामने की जाए बराबर होनी चाहिए एंगल इक्वल होनी चाहिए रेक्टेंगल में आमने सामने की जाए बराबर होनी चाहिए एंगल इक्वल 90 डिग्री चाहिए स्क्वायर में आमने सामने की जाए बराबर होती है इस स्तर पर अगर देखा जाए तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया ट्रू हो गया कि सारे स्क्वायर तो रेक्टेंगल है लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर बिल्कुल नहीं है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम तो जब ये बातें यहाँ साबित हो ही गई हैं तो भैया स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम ही हो सकता है इसलिए पॉइंट क्या हो गया फॉल्स ध्यान दीजिएगा आप लोग अगला है आपका ऑल काइट्स आर रोम्बस तो काइट तो रोम्बस नहीं हो सकता काइट्स की कंडीशन में रोम्बस नहीं आता हाँ रोम्बस काइट हो सकता है ऑल रोम्बस काइट हो सकता है इस हिसाब से तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया और उसी के ठीक नीचे वाला पॉइंट जो कि इसका अपोजिट है ट्रू हो सकता है क्योंकि रोम्बस तो काइट हो सकते हैं लेकिन ऑल काइट रोम्बस कभी नहीं हो सकता ऑल पैरेललोग्राम ऑल ट्रेपेजियम भाई पैरेललोग्राम कहो चाहे ट्रेपेजियम कहो चाहे ऐसे करो फिर चाहे इसको ऐसे करो है ये सब तो पूरी हो रही है ना पैरेलल लाइन वाली इसलिए ट्रू है इसलिए डेफिनेटली ट्रू है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम तो चाहे आप थप्पड़ गाल पे मारो चाहे गाल पे थप्पड़ मारो दोनों कंडीशन आपकी रहती है सेम इज दैट क्लियर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर दैट हैव आइडेंटिफाई ऑल कोऑर्डिनेटर दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ तो आप सब जानते हैं फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ फोर साइड्स आप इक्वल लेंथ तो सब जानते हैं कि किन किन में फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं स्क्वायर और रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं इसमें दो चीजें आती हैं एक आपका स्क्वायर आता है और दूसरा आता है आपका रोम्बस इन दोनों में ही फोर साइड इक्वल होते हैं क्वेश्चन बी कह रहा है फोर राइट एंगल किसमें किसमें होते हैं तब आप सब लोग जानते हो फोर राइट एंगल जब राइट एंगल की बात आती है तो राइट एंगल मतलब ऑल साइड आर ऑफ 90 डिग्री तो आप क्या कहेंगे कि केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही ये सर पे लागू होती है जहां सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स इनकी शर्तें हैं कि इनके चारों एंगल भी 90 डिग्री के होने ही होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 आप बता रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल ए पैरेललोग्राम ए रोम्बस अ रेक्टेंगल लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग अपने क्वेश्चन में बने रहिएगा और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा ठीक है ना कंडीशन में आपने क्वाड्रिलेटर के बारे में बहुत अच्छे से जाना क्वाड्रिलेटर में किन किन चीजों को देखा आपने स्क्वायर को देखा रेक्टेंगल देखा ट्रेपेजियम देखा काइट देखा और भी तरह कंडीशन देखी कुछ कंडीशन के आधार पर आपकी प्रॉपर्टीज बनती है स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी है ऑल साइड इक्वल ऑल एंगल 90 डिग्री काइट में ऑल साइड इक्वल सॉरी काइट कह रहे हैं रोम्बस में ऑल साइड इक्वल बट नॉट 90 डिग्री तो
अगर जितने फिगर आपके सामने सब में कुछ ना कुछ समानता है, कुछ ना कुछ असमानताएं होती हैं। कॉमन चीजों की बात करें, फोर साइड की बात आए कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों में फोर साइड इक्वल होते हैं। फर्क क्या है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन फोर राइट एंगल तो रिक्टेंगल और स्क्वायर में सारे एंगल राइट होते हैं। यहां की बात अगर हम उठाएंगे तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि शर्ते तो है कि 90 डिग्री कंप्लीमेंट में चाहिए, पर अनिवार्यता यह नहीं कि सारे रिक्टेंगल जो है स्क्वायर हो जाए। लेकिन सारे स्क्वायर को रिक्टेंगल मानते हैं। हमने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपका ये क्या है जो सेंटर जो जाता है डाया, और ये क्या है चार्ड है। सारे चार्ड डाया नहीं हो सकते, लेकिन सारे डाया चार्ड हो सकते हैं। तो कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल कंडीशन। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ, 3 अभी करा है नहीं, 4 में हुआ है। जैसे क्या बात है, कह रहा है कि ए क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन हाउ इज ए स्क्वायर, कैसे हम इसको स्क्वायर कहेंगे, कैसे हाउ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने बकवासें की थी ना, चलो इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल, ओके। दूसरा पैरेललोग्राम, दूसरा कैसे पैरेललोग्राम है, तो आप क्या कहेंगे, आपको इस पे भी मिला देना पैरेललोग्राम की बुक में है। तीसरा रोम्बस, ठीक है, और चौथा क्या है आपका रिक्टेंगल। अब शर्तें ये हैं कि हाउ कैन ए स्क्वायर बी इन दीज कंडीशंस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रिक्टेंगल। ध्यान रखना इस सबका काका है स्क्वायर जो है, सबका काका है, सबकी शर्तें अपने अंदर समेटे हुए है। इनकी अलग अलग शर्तें हैं, लेकिन इन सबकी शर्तों को अपने अंदर कौन समेट के रखता है, स्क्वायर रखता है। तो आप क्या जवाब देंगे, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज विद फोर लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल शर्त क्या होती है, इसमें फोर लाइन होने चाहिए, क्लोज लाइन होनी चाहिए। तो भैया स्क्वायर में फोर लाइन होते हैं और क्लोज लाइन होती है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल की शर्त किसने पूरी की, स्क्वायर में। क्वाड्रिलेटरल शर्त क्या है, फोर लाइन होने चाहिए और फोर क्लोज फिगर होना चाहिए, ये शर्त तो पूरी कर रहा है, ओके। और स्क्वायर में भी ये कंडीशन लागू होती है, फोर साइड होते हैं और वो क्लोज फिगर होता है। दूसरा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए ना, लो इसको हमने ले लिया, या का पैरेललोग्राम हो गया। इसकी शर्त क्या है, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम ड्यू टू दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसमें दो बातें हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, हाँ इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो भैया इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अलग मुद्दा है कि इनके अंदर के जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी शर्त है सपोजिट साइड इक्वल, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, एंगल इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ओके। और भी चीजों को पूरा करता है, जैसे इनके डायगोनल्स, इनका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, ऐसे आप करना चाहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर हम आते हैं रोम्बस कैसे हो सकता है, तो आप लोग रोम्बस जानते हैं क्या होता है, ठीक है, चलिए हमने कर दिया, ट्रेपेजियम बना दिया, रोम्बस बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। शर्तें क्या होती हैं, शर्तें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। चलिए लो जी, किस तरह से कर सकते हैं इसको, हम इसको काइट से अलग बनाते हैं, काइट में लंबाई, अब इसमें देखिए इक्वल है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल भी है और सेम कंडीशन स्क्वायर के साथ भी लागू होती है। फाइनली हम देखते हैं रिक्टेंगल कैसे, रिक्टेंगल में फोर साइड होते हैं, स्क्वायर में फोर साइड होते हैं, रिक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, इस तरह से इसको कंप्लीट करता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिए इस चैप्टर में इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में, पूरे का निचोड़ इस चैप्टर में निकाल के रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फोर का पैरेलल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा आर परपेंडिकुलर
आर परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर आप स्पेलिंग दी गई कॉपी में, आप देख लेना। तीसरा आर पर आर इक्वल, आर इक्वल। फोर्थ में ये चार बातें हैं, पहला बाइसेक्ट ईच अदर, दूसरा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, थर्ड आर इक्वल सॉल्यूशन। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस, पहली शर्त को पूरी करते हैं। कौन कौन पैरेललोग्राम समझ जाना। दूसरा क्या करता है, रेक्टेंगल उसमें भी बाइसेक्ट ईच अदर। तीसरा कौन, स्क्वायर, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और लास्ट फाइनली आपका हो जाएगा कौन सा, फाइनली आप सुन लेंगे रोम्बस। फाइनली आपका क्या हो जाएगा, रोम्बस। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इन लोगों के पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो लोगों दिख रहा है उसके पीछे है, इसलिए मैं आपको दिखा बता ले रहा हूं। कौन कौन हो गया, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर एंड रोम्बस। दूसरा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। तो इस शब्द को पूरा करने के लिए आपका आ जाता है स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस। फाइनली आर इक्वल, आर इक्वल में कौन कौन होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। इसके बाद बाकी किसी में इक्वालिटी की कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। पैरेललोग्राम की कंडीशन लागू होती है, ट्रेपेज़ियम में साइड्स की कंडीशन लागू होती है, मगर इनके साथ कोई कंडीशन नहीं लागू होती है। ये सब जेल के भागे हुए कैदी हैं, इनको पकड़ने की कोशिश मत करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का अंतर क्या होता है। जिस फिगर में 4 लाइंस जो है स्वतंत्र हो, कहीं से भी अंदर घुसे ना हो, उन्हें क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स से कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और जिसमें सपोज करिए ये यहां ना हो करके यहां हो जाए, यानी अंदर की तरफ चला जाए, वो होता है आपका कॉनकेव। तो कंडीशन आपकी क्लियर है, इन ए रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, हेंस द कॉन्वेक्स एंगल। अभी इसका हम बनाते हैं, इसका तो अंदर बनेगा, इसका बाहर निकल गया, इसका बाहर निकल गया। अब कहने का मतलब कॉन्वेक्स की शर्त होती है, कॉन्वेक्स के सारे डायगोनल फिगर के अंदर ही बैठे जाते हैं, और कॉनकेव का डायगोनल डायगोनल आजाद है, मैंने बताया जेल से भागा हुआ कैदी है। तो हम स्क्वायर की बात कर लें, इसके डायगोनल अंदर है। रेक्टेंगल की बात कर लें, इसके डायगोनल अंदर है। पैरेललोग्राम की बात करें, डायगोनल अंदर है, इसे कॉन्वेक्स में आते हैं। लेकिन कुछ चीजों में जहां आपका जब डायगोनल बनाने की बात आती है, डायगोनल कहां बनता है, आमने सामने की भुजा होगी, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये देखो बाहर हो गया, ये अंदर अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या कंडीशन है, इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका नाम क्या है, बीसी, हमेशा बीसी नीचे रहता है, ए ऊपर रहता है। जैसे हम अदर डिजाइन बनाते हैं उसमें कहां शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं, ए बी सी डी, हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा यहां शुरू करिए, बेस नीचे रहता है, यानी पहले दो अंक जो है नीचे रहते हैं। इसमें क्या होता है, बीसी नीचे रहता है। ये बातें मैथ में कोई और टीचर अलग से नहीं बताएगा, बोले कोई भी एबीसीडी कर लो, नहीं ऐसा नहीं होता, मैथ समझता नहीं, इसको समझाना पड़ता है, ठीक है। आप अगर 90 डिग्री है, चलिए हमने मान लिया, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, अपोजिट ऑफ द राइट एंगल। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा और लंबा चौड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सवाल में आगे बढ़ने को मौका मिल जाए। अब ये क्या हो गया आपका सेकंड डायगोनल, आपका एबीसी सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं हमें बीसी छेड़ रहे हैं, लेकिन अब सामने जो फिगर बन गया, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, वो ए बी सी डी चार भागों में हो गया। इज दैट क्लियर। अभी क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वेस्टेंट ऑफ ए बी एंड
एंड सी, ठीक है। अब इक्विस्टेंट मतलब होने का क्या हुआ, इसका मतलब होता है आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा आपने ट्रायंगल का नियम पढ़ा है, ट्रायंगल में हमेशा चाहे दो सबसे छोटी साइडों को भी ऐड करोगे तो बड़ी साइड से ज्यादा ही होंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ये फोर है, तो ऑटोमेटिक वन प्लस टू इक्वल टू फोर है, यानी ज्यादा है तो ट्रायंगल बन पाएगा, वरना ट्रायंगल बनने वाला नहीं है। अब इसी बेसिस आप कॉन्सेप्ट कर रहा है तो आप कहेंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मेक्स ए रेक्टेंगल एबीसीडी बाय द डॉटेड लाइन, हमने बना दिया ओके। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि डायगोनल्स हैं, इनका हाफ बेसिस जो है हमेशा इक्वल ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। पहली बात, अगर डायगोनल इक्वल है तो ओ ए इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू ओडी, यानी ओ ए प्लस ओसी इज इक्वल टू ओबी प्लस ओडी, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर क्लियर किया हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं है। 2A 2OA is equal to 2OB, यानी इसको भी OA मान लेते हैं, 2OA is equal to 2OA, 2 से 2 कैंसिल, OA से OA कैंसिल, मतलब इक्वेशन में आप आकर रुक गए हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से सिद्ध होता है कि सारे डायगोनल इक्वल है, सारे साइड इक्वल है, इसलिए ये रेक्टेंगल है। ओके, आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।